भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। तालिबान ने जानबूझकर उन्हें मौत के घाट उतारा था और ये सनसनीखेज खुलासा एक अमेरिकी मैगजीन ने किया है। मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान में किसी गोलीबारी में फंसकर नहीं हुई है। तालिबान ने मामूली रूप से घायल दानिश को एक स्थानीय मस्जिद पर हमला कर पकड़ा था और भारतीय के रूप में उनकी पहचान होने के बाद भी क्रूरता से हत्या कर दी। वॉशिंगटन एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दानिश सिद्दीकी की कंधार शहर के स्पिन बोल्डक में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय मौत हुई थी। अब अमेरिका की मैगजीन में खुलासा हुआ है कि जब मामूली घायल दानिश को मस्जिद में ले जाया गया, यहीं पर तालिबान ने अपना खेल रचा। जैसे ही तालिबानियों को जानकारी मिली कि दानिश मस्जिद में है, उन्होंने वहां हमला बोल दिया और सिद्दीकी के साथ जो सैनिक मौजूद थे पहले उन्हें मारा और उसके बाद सिद्दीकी को भी पकड़ लिया। फिर पहचान करने के बाद गोलियों से सिद्दीकी को भून दिया गया। तालिबान ने अपने चित्त परिचित अंदाज में सिर्फ गोलियां नहीं चलाई बल्कि शव को शत विशित भी किया।